हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की मैथ्स मैजिक का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है शेप्स एंड एंगल्स। तो आइए पढ़ते हैं। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स, दे लव डूइंग द सेम थिंग। वन डे व्हेन दे वर मेकिंग शेप्स विद मैथ स्टिक्स, शालिया गेव देम अ चैलेंज। अब रोहिणी और मोहिनी दो जुड़वा बहने हैं। वह किसके साथ खेल रही थी? माचिस की तिलियों के साथ। तो शैला आई और उसने उनको एक चैलेंज दिया। अब क्या कहा उसने? रोहिणी विल मेक अ शेप, मोहिनी हैज टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट। अब उसने कहा कि रोहिणी माचिस की तिलियों से कोई शेप बनाएगी और मोहिनी भी बनाएगी, पर उसने जो रोहिणी बना रही है वो नहीं देखना है, ठीक है? तो यहाँ दिखाया है कि रोहिणी ने किस तरह का शेप बनाया, ये। इट इज अ क्लोज्ड शेप और एन ओपन शेप। ये किस तरह का शेप है? क्लोज्ड यानी कि बंद है या कहीं से खुला हुआ है, तो ये किस तरह का है? क्लोज्ड शेप, ठीक है। नेक्स्ट, रोहिणी ने बताया ये क्लोज्ड शेप है। अब इसने पूछा कि इसकी कितनी साइड है, आइए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी साइड्स हैं? 6 साइड। तो यही रोहिणी ने कहा कि इट हैज 6 साइड्स। तो 6 साइड्स का सुन के फिर मोहिनी ने क्या बनाया? मोहिनी ने बनाया कुछ इस तरीके का फिगर, ठीक है। इसकी भी कितनी साइड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ इसने बोला है नाउ गिव द आंसर्स। अब आपने आंसर बताने हैं। इज इट अ क्लोज शेप, क्या ये एक क्लोज शेप है यानी कि बंद है? तो क्या है? हाँ, हम लिखेंगे इसके लिए यस। डज इट हैव 6 साइड, क्या इसकी 6 साइड्स हैं? तो अभी हमने गिनी, हाँ है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे यस, ठीक है। बट इट इज नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, सो मोहिनी ट्राइड अगेन। लेकिन ये सेम नहीं था जैसे किसने बनाया था? रोहिणी ने। तो फिर मोहिनी फिर से ट्राई करती है और वो कुछ इस तरीके का शेप बनाती है। इसमें भी 6 साइड हैं लेकिन ये शेप क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। अब आगे फिर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट अ क्लोज शेप विद 6 साइड, क्या ये क्लोज शेप में था जिसकी 6 साइडें थी? तो ये भी क्या था? हाँ, इसमें लिखेंगे हम यस। नेक्स्ट, इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, क्या जो रोहिणी ने बनाया था उसी की तरह है ये? तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, यानी कि नो। अब यहाँ पे लिखा है इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वेज दिस शेप्स आर डिफरेंट, क्या यहाँ पे कोई कहने का तरीका है कि ये सारे शेप जो ऊपर बनाए गए थे ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे थे? तो हम इसका आंसर लिखेंगे आंसर नंबर सी में, These shapes differ in angles। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी शेप थे उनके एंगल क्या थे? अलग अलग। जैसे यहां आप देख सकते हैं, यहां पे नीचे जो डायग्राम आपको सब शेप का बताया गया है, यहां पे इनके अलग अलग एंगल हैं। इसका ये देखिए अलग एंगल है, यहां पे आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा एंगल आ जाता है, ये देखेंगे तो ये एक अलग एंगल आएगा, ठीक है। तो सबके एंगल्स क्या हैं? अलग अलग थे, इसलिए इनका शेप भी क्या हुआ? अलग अलग हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप। अब मोहिनी ने फिर से बनाया और उसको अलग अलग शेप मिले। गेस एंड मेक 2 मोर शेप मोहिनी कुड हैव मेड। तो हमने गेस करके बताना है कि मोहिनी ने और दूसरे दो कौन से शेप बनाए होंगे। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे? यहाँ पे हम भी दो शेप बताएंगे जो 6 साइड के होंगे और क्लोज्ड फिगर में होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मोहिनी कुड मेक फॉलोइंग शेप्स। तो कैसे बनाए होंगे? एक कुछ इस तरीके से, ये हो गई 2 साइड, 3, 4, 5 और 6, और दूसरा
एक दो तीन चार पाँच और छः, ठीक है। तो ये भी दोनों ही क्लोज्ड फिगर हैं विद सिक्स साइड्स। नेक्स्ट पेज है हमारा प्रैक्टिस टाइम। अब हमें करनी है थोड़ी सी प्रैक्टिस, आइए देखते हैं। लुक एट दिस शेप एंड आंसर। इस शेप को देखिए और आंसर कीजिए। द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल। जो एंगल किस कलर में बनाया गया है उसका सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल है। तो अगर हम फिगर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एंगल है वो किस कलर का बनाया हुआ है? ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कलर के जो ये दो हैं इनकी एंगल क्या है? ज़्यादा बड़े हैं। नंबर टू, आर दी एंगल्स मार्क्ड विद येल्लो इक्वल। जो दो येल्लो कलर में किए हुए हैं, जैसे कि एक ये और एक ये, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हाँ, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यस। नंबर बी, आर दी एंगल मार्क्ड विद ग्रीन इक्वल। जो ग्रीन कलर में मार्क किए गए हैं क्या वो बराबर हैं? अब हम देखेंगे ग्रीन कलर वाले बराबर हैं या नहीं। तो फिगर में हम देखेंगे तो ग्रीन कलर वाले भी क्या हैं? यस, बराबर हैं। देखिए ग्रीन कलर यहाँ पे, इधर इस वाले फिगर में ये ग्रीन कलर के हैं, तो ये दोनों भी क्या हैं? बराबर एंगल। सी, आर दी एंगल्स मार्क्ड विद ब्लू आर इक्वल। अब ब्लू कलर के कौन से हैं? एक फिगर इसमें और दूसरा इसमें, क्या ये दोनों भी बराबर हैं? तो हाँ, ये दोनों भी क्या हैं? बराबर हैं। तो हम इसमें भी लिखेंगे यस, ओके। आगे मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थ्री, फोर डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन फोर कलर्स। अब चार डिफरेंट एंगल चार अलग अलग कलर में आपको मार्क करके दिखाए हुए हैं, ठीक है, इन फिगर्स में। कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड। जो रेड में किया गया है उसकी तरह क्या आप कोई दूसरा एंगल बता सकते हैं? तो हम देखेंगे कौन से एंगल बनते हैं हमारे। द एंगल मार्क्ड इन येलो इज सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड। जो एंगल येलो में मार्क किया गया है, यानी कि ये और ये क्या है? दोनों बराबर है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ, द एंगल मार्क्ड इन येलो इज सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड, ठीक है। जो येलो में था वो रेड के बराबर ही है, क्योंकि जो हेक्सागन होता है ना, यानी कि जो हेक्सागन किसे कहते हैं? छह साइड वाला, एक दो तीन चार पाँच छ। तो जो हेक्सागन होते हैं उसके सारे एंगल भी क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डू दिस फॉर द अदर कलर। अलग कलर के लिए भी हमें सेम बताना है। तो ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि दूसरे कलरों का भी बताइए, तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऑल एंगल्स ऑफ द हेक्सागन। हेक्सागन मतलब एक क्लोज्ड फिगर जिसकी छह साइड होती हैं, आर सेम एज द एंगल मार्क्ड इन ग्रीन। अब हेक्सागन में कौन सा कलर का मार्क किया था? ग्रीन कलर का। तो ये सारे ही एंगल क्या हैं? हेक्सागन के बराबर होते हैं, ठीक है। ये सारे एंगल सेम डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट अब बचा ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि ऑल एंगल्स ऑफ द ऑक्टागॉन। ऑक्टागॉन क्या होता है? जिसकी आठ साइड्स होती हैं। कितनी? एट साइड्स। तो एट साइड वाला कौन सा है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी सारे एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑल एंगल्स ऑफ द ऑक्टागॉन आर सेम एज द एंगल मार्क्ड इन ब्लैक, ठीक है। तो ये था इसका आंसर।
आइए अब पेज को नीचे लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैस्टिक इन ईच ऑफ दीज। मतलब कि इसमें कहा गया है अगर आप इन तिल्लियों में मैच स्टिक का एंगल चेंज करेंगे तो हमारे पास कितने शेप बनेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमें जो शेप है उसमें से हम एक मैस्टिक निकाल भी सकते हैं या कोई ऐड भी कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से शेप बनते हैं हमारे। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर 4। एक ये जो 4 मैस्टिक का है उसका हम स्क्वायर करते हैं। एक आपका पेंटागन बना हुआ है, पेंटागन मतलब जिसमें 5 मैस्टिक होती हैं। ठीक है, तो उसका हमने एक मैस्टिक हटा दी और क्या बना दिया उसका स्क्वायर। अब जो 7 वाली है, 7 वाली में से हम मैस्टिक हटाएंगे और क्या बनाएंगे, एक इस तरह का शेप। और आगे दूसरा, ये ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 शेप इसके बनाए हैं। आगे अब देखते हैं, यहां आपको दिया हुआ है मैच स्टिक पजल्स। तो ये कुछ पजल आपको 3 दिए हुए हैं, इसके आंसर्स आपको आगे दिए हुए हैं। तो पहले ये आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो इसका आंसर किस में दिया हुआ है आपको, पेज नंबर 29 में, तो वहां से आप इसका आंसर देख सकते हैं। ओके, मूव ऑन करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आगे आपको दिया है एंगल टेस्टर। हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल, इक्वल एंगल हम कैसे बनाते हैं। लेट अस मेक एन एंगल टेस्टर। उसने एक एंगल टेस्टर बनाया। अब उसने कैसे बनाया है ये, एक्चुअली जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें ये एक चीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडर। ठीक है, तो वही डिवाइडर इसने किससे बनाया, कार्डबोर्ड की शीट से। उसने 2 स्ट्रिप काटी कार्डबोर्ड की, इतनी इतनी सी 2 सेम स्ट्रिप काटी। ठीक है, फिर उनको फिक्स किया किससे, एक ड्राइंग पिन से। दोनों कार्डबोर्ड को बीच में ऐसे एक ड्राइंग पिन लगा के फिक्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और कुछ इस तरीके से किया कि हम दोनों कार्डबोर्ड को आजू बाजू हिला सकते हैं। ये बन गया इनका क्या, एंगल टेस्टर। अब रोहिणी ने टेस्ट करना है कि एंगल कितना होता, तो उसने एक मैथ की बुक ली, ठीक है, और दूसरी पेंसिल बॉक्स। जब उसने उनके कोने पे रख के उसका एंगल देखा तो दोनों का एंगल क्या आया, बराबर। ठीक है, पेंसिल बॉक्स और जो मैथ बुक था उन दोनों का एंगल कितना आया, बराबर। और उसने क्या कहा कि ये कितने हैं, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है आपका, राइट एंगल कुछ इस तरीके से होता है, एकदम सीधा जो 90 डिग्री का होता है। अब ये एंगल आपका कुछ नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, हर साइड से अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है आपका, राइट एंगल कहलाता है, जो कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला है, गो अराउंड विद योर टेस्टर एंड ड्रॉ हेयर दोज थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन्स लाइक एल लेटर। आपने यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बनानी है जिसमें आपका जो टेस्टर है, यानी कि जो आपने एंगल टेस्टर बनाया था, उसको आप जब उस पर टेस्ट करेंगे तो वो किस शेप का बनाएगा, एल शेप का, यानी कि 90 डिग्री एंगल का। ओके, तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, ऊपर तो उसने 2 चीजें बता दी आपको, बुक और पेंसिल बॉक्स। तो दूसरी क्या आएगी आपकी, यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ करना है, रूलर को। रूलर मतलब आपकी स्केल। ठीक है, वो भी क्या आएगा यहाँ पे, एल शेप बनाएगा। दूसरी एक और चीज क्या हो सकती है आपका, इरेजर। ठीक है, क्या है आपका, इरेजर। तो ये भी क्या बनाएगा आपका, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा विद एल शेप। इसी तरीके से आपने 2-3 और यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसका क्या बने,
एल शेप बने, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बने। अब आगे हम करेंगे प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और पिक्चर देख के उसने क्या बताना है, यहाँ आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो एंगल राइट एंगल दे रही हैं। जैसे कि ये एंगल जो आपको दिखाया गया, क्या ये राइट एंगल है या राइट एंगल से ज़्यादा है या राइट एंगल से कम है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इसको टिक मार्क करना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर हम ध्यान से एंगल देखें तो ये एल से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो ये किस में डाला इन्होंने, लेस देन राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से छोटा। अगर हम इसकी बाजू को देखें तो ये एग्जैक्टली एल शेप बना रहा है, तो ये क्या होगा, राइट एंगल। यहाँ पे इस पतंग के कोने को देखेंगे तो ये भी क्या बना रहा है, एल शेप, तो ये भी क्या है, राइट एंगल। अब अगर हम इस एंगल को देखेंगे ध्यान से तो ये क्या है आपका, 90 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है, तो हम ये क्या लिखेंगे, मोर देन राइट एंगल। और यहाँ पे भी ये जो अंदर का एंगल है ये भी क्या है, मोर देन राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सुखमान मेड दिस पिक्चर विथ सो मैनी एंगल्स। अब यहाँ पे इसने कहा है कि इसमें बहुत सारे एंगल दिए हुए हैं, आपने वो फाइंड आउट करने हैं। यूज कलर पेंसिल टू मार्क देम, यानी कि आपने क्या यूज़ करना है, इनमें कलर पेंसिल देखनी है। राइट एंगल के लिए ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, अगर जो राइट एंगल से ज़्यादा है उसके लिए ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, और एंगल जो राइट एंगल से कम है उसके लिए ब्लू कलर यूज़ करेंगे। तो आपने यहाँ पे वो एंगल ढूंढने हैं कि वो एंगल कहाँ कहाँ बने हुए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ इसकी टोपी के पास, ये एंगल बना रहा है एक, ये तो ये एंगल क्या है, बड़ा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इस पे आपने आर्क बनाना है एक ऐसे करके, और किस कलर का होना चाहिए, वो ग्रीन कलर का। इसी तरीके से इस पिक्चर में और भी एंगल आपने ढूंढने हैं और उसके हिसाब से उनकी कलरिंग करनी है, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करना। अब आगे है यहाँ पे, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन, ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज। अब यहाँ पे एंगल बनाया है और उस पर कहा है कि इन एंगल्स के ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए, पर ये भी बताइए कि ये किस तरह का एंगल है। जैसे कि यहाँ पे पहले एक एंगल बनाया था कुछ ऐसा, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक क्रोकोडाइल का फेस बना दिया, और ये भी बताया कि ये एंगल क्या है, लेस देन राइट एंगल। अब यहाँ पे मुझे सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो मैं इसका क्या बना सकती हूँ, तो हम इसका क्या बनाएंगे, पतंग, यानी कि काइट, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ हम लिखेंगे राइट एंगल, ओके। उसी तरीके से बाकी जितने भी हैं उन पे आपने कोई ना कोई पिक्चर बनानी है, और उसके बाद ये भी बताना है कि वो कितने डिग्री का एंगल है। तो आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए कि क्या चीज़ इसके ऊपर बन सकती है। एंगल को बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं करना है, और कुछ इस तरीके से बनाना है कि एंगल भी वैसा का वैसा रहे और साइड पे उसके ऊपर कोई पिक्चर भी बन जाए, ओके। मूव ऑन करते हैं। यहाँ आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी क्या दी है, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। आपने एक स्क्वायर शीट का पेपर लेना है, फिर उसको आधा फोल्ड करना है, फिर एक और फोल्ड करना है, ठीक है। फिर जो आपने लास्ट फोल्ड किया था उसको क्या कर देना है, ओपन। लास्ट फोल्ड को क्या करना है, ओपन कर देना है। फिर टेक द वन कॉर्नर ऑफ द फोल्ड टू मीट इट विद द डॉटेड लाइन, यानी कि इस कोने को आपने इस कोने से मिलाना है, तो वो कुछ इस तरह का शेप बनेगा। अब ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइंस मेकिंग अ राइट एंगल। यहाँ पे कोई लाइन देखेंगे आप जो क्या बना रही है, राइट एंगल। और दूसरा, एन एंगल लेस देन राइट एंगल, एक एंगल जो राइट एंगल से कम है वो भी बना रहे हैं यहाँ पे, और एंगल मोर देन राइट एंगल भी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, सबको देखना है और अलग अलग कलर से उसको फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये दे दिया आपने ब्लैक कलर, लेस देन वाला आता है ये, तो इसको दे देंगे आप ग्रीन कलर, और अगर मोर देन वाला कोई एंगल आता है इसमें तो उसमें आपने क्या देना है, उसको ब्लू कलर, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों एंगल्स का आपने लिखना है।
अब मूव ऑन करेंगे आगे वाले पेज पे। नेक्स्ट आपको दिया है एंगल गार्डन। माय एंगल डांस शोज द वे व्हेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी आई वांट टू टेल अदर बीज टू शो देम द वे आई स्टार्ट डांसिंग माय डांस शोज द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर। अब इसका डांस क्या बता रहा है, सन और फ्लावर के बीच में कैसा एंगल बन रहा है। अब नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी है, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट। अब आपने कुछ पत्ते लेने हैं, उनके ऊपर रंग करना है और उनका प्रिंट अपनी कॉपी पे कुछ इस तरीके से लगाना है कि उन दोनों के बीच में क्या बने, किसी तरीके का एंगल बने। ठीक है, अब आपने एंगल क्या बनाने हैं, वही तीन प्रकार के, या कुछ राइट एंगल में, कुछ मोर देन राइट एंगल और कुछ लेस देन। ओके, आगे आपको दिया है, आई एम अ वुड पेकर, माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज टू कट द वुड। अब उसने बोला है कि ये जानवर है वुड पेकर, ठीक है, इसकी जो चोंच है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है, नोकीली है, क्योंकि उसे लकड़ियां काटनी होती हैं। हे लुक एट दैट बर्ड, इट्स बीक हैज एन एंगल लेस देन द राइट एंगल। इसने कहा कि उस इसकी बीक को देखे, यानी कि इसकी चोंच को देखे, ये कैसा एंगल बना रहा है, लेस देन 90 डिग्री, कुछ इस तरीके का। ठीक है, एंगल कैसा बन रहा है, 90 डिग्री से छोटा। तो आगे आपको दिया हुआ है, लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विद स्मॉल एंगल। आपको इसमें से कुछ पक्षियों के देखने हैं जिनकी जो बीक है यानी कि चोंच है उसका एंगल क्या बन रहा है, छोटा। तो अगर आप इन पक्षियों को देखेंगे तो छोटा एंगल कौन बना रहा है, ये, इसकी जो चोंच है ये भी क्या बना रही है, छोटा एंगल, इसकी चोंच भी एक छोटा एंगल बना रहा है क्योंकि ये ओपन में है। ठीक है, तो ये तीनों के आगे आपके वह पक्षी जिनकी बीक्स यानी कि चोंच क्या बना रही है, स्मॉल एंगल्स। नेक्स्ट आपको दिया है, इन द पिक्चर मार्क एंगल बिटवीन द टू ब्रांचेस, दो टहनियों के बीच के एंगल को मार्क कीजिए, विच टू ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल। अब देखेंगे टहनियों के बीच में कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा एंगल किसका बन रहा है, इसका, तो आप लिखेंगे इसका आंसर, द लोअर ब्रांचेस हैज द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। लोअर ब्रांच कहने का मतलब है जो नीचे वाली टहनी थी, ठीक है, वो आपस में क्या बना रहे थे, बड़ा एंगल। आइए अब देखते हैं एंगल्स इन नेम। अब नाम लिखने में कैसे एंगल बनते हैं वहां पे ये दिखाया गया है। यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ अवर नेम्स टू। हमारे जो नाम के लेटर होते हैं उनके बीच में भी कुछ एंगल होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको करके दिखाया है सुख मान, हर एक एंगल आपको शो किया हुआ है। इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स, इसके नाम में कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 11। देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल, यानी कि 10 एंगल ऐसे भी हैं जो राइट एंगल से क्या हैं, छोटे हैं। अब यहाँ बोला है राइट थ्री नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट द एंगल। अब यहाँ बोला है आपने कोई ऐसे तीन नाम यहाँ लिखने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें एंगल गिनने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नाम लिख के बताती हूँ, लेकिन आपने लिखने कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन से। जैसे पहला एक नाम देते हैं हम ए आर यू एन, क्या बना, अरुण। अब हम इसमें एंगल गिनेंगे, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और देखते हैं कहाँ एंगल बन सकते हैं, एक नीचे वाली साइड भी बन रहा है ए में, इधर भी बन रहा है,
और आर के इस तरफ भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने एंगल होते हैं आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पे है 5, 1 2 3 4 5 6 इधर बने 6, 1 2 2 and 2 टोटल कितने हुए 5 4 6 11 12 13 14 15 टोटल कितने हैं आपके 15 एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पहले तो भरना है नाम आपने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ लिखा है नाम अरुण, ठीक है। आपने लिखना कुछ इसी तरीके से है जैसे मैंने यहाँ दिखाया। अब यहाँ बोला है नंबर ऑफ राइट एंगल कितने हैं, राइट एंगल यानी कि जो स्ट्रेट एंगल हैं आपके 90 डिग्री वाले। तो देखेंगे तो हम आर में आपके 4 बन रहे हैं, यू में आपके 2 हैं, 4 और 2 कितने हुए 6, तो टोटल कितने एंगल हैं आपके राइट 6, तो यहाँ आप लिखेंगे 6। अब हमने लिखने हैं नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल, जो राइट एंगल से ज़्यादा हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ए में है 2, एक ये और एक ये, यहाँ पे हो गए 2, ये दोनों तो छोटे हैं और ये दोनों भी छोटे हैं, तो टोटल कितने आए आपके पास 2, ठीक है। अब देखने हमने लेस देन कितने हैं, तो टोटल हमारे पास 15 हैं, उसमें से 8 तो हो गए, तो 15 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 7, तो यहाँ पे कितने आएंगे आपके 7। ये है जल्दी से करने का तरीका, इसमें आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने भरना है। वैसे ही आप कोई भी दो छोटे और नाम ले सकते हैं और उसमें ऐसे एंगल फाइंड आउट करके आपने ये टेबल इसको भरना है, ओके। यहाँ आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, पुट 10 मैथ मैजिक बुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड कीप वन बुक स्लैंटिंग टू मेक अ स्लाइड। अब यहाँ पे क्या किया है, 10 बुक्स को एक के ऊपर एक रखा है और एक बुक को ऐसे टेढ़ा करके रखा है ताकि एक स्लाइड बन जाए। स्लाइड क्या होती है, जो नीचे आपको पिक्चर में दिखाई है, ठीक है। नाउ डू दिस विद 6 बुक, अब आपने 6 किताबों के साथ ऐसा करना है, तो आप पहले ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे 6 किताबें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मेरी 6 किताबें आ गई एक के ऊपर एक, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ से टच करते हुए मैंने एक और किताब रख दी यहाँ, ओके। अब इन्होंने कहा रोल अ बॉल फ्रॉम अ टॉप, टॉप से मैंने क्या करना है, एक बॉल को रोल करते हुए नीचे ले जाना है। फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल फास्टर, अब कौन सी वाली फिसल पट्टी से जो बॉल है वो जल्दी गिरेगी, 6 बुक वाली या 10 बुक वाली। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो 10 बुक वाली होगी उसका एंगल क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनता है, यानी कि वो किस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये था आपका 10 बुक का, और उसका एंगल कैसे बन गया, कुछ इस तरीके से। तो ये एंगल क्या है, एकदम स्ट्रेट बना, अगर आप ऊपर से बॉल फेंकेंगे वो एकदम तेजी से जाएगी, और उसी तरीके से अगर 6 बुक वाली को देखेंगे तो वो उससे थोड़ा सा कम स्पीड में जाएगी, तो किसकी ज़्यादा फास्ट नीचे आएगी, आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम दी 10 बुक्स दी बॉल विल रोल डाउन फास्टर देन दी 6 बुक्स, ओके। तो ये आपने इसका ये आंसर लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल, इन दोनों में सबसे छोटा एंगल किसने बनाया था, इसने, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ये था बी का फर्स्ट पार्ट और ये है सेकेंड पार्ट, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, स्लाइड ऑफ 10 बुक्स हैज द स्मॉलर एंगल, ठीक है, जो आपने 10 बुक वाली स्लाइड बनाई थी उसका क्या है, छोटा एंगल है, ओके। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको दिया है दो स्लाइड दी हुई हैं, इस पिक्चर में आपको दो स्लाइड दी हुई हैं। क्वेश्चन पूछा है विच स्लाइड हैज द लार्जर एंगल, दोनों में से बड़ा वाला एंगल किसका है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर देखती हूँ मैं यहाँ पे, नंबर ए द स्लाइड
on the right hand side has larger angle. ठीक है, इस वाले का क्या है, बड़ा एंगल है. नेक्स्ट देखते हैं, विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफ फॉर द लिटिल बॉय एंड व्हाई. तो हमें कौन सा वाला लगता है कि कौन सी वाली स्लाइड अच्छी रहेगी. तो कौन सी वाली स्लाइड अच्छी रहेगी छोटे बच्चों के लिए, हम यहां लिखेंगे द स्लाइड ऑन द राइट हैंड साइड विद larger angle is safer for the little boy. ठीक है, छोटे बच्चे के लिए कौन सी वाली ठीक रहेगी जिसका बड़ा एंगल है, क्योंकि बड़ा एंगल रहेगा तो वो जल्दी से नहीं फिसलेगा, आराम आराम से ही आएगा, तो उसको चोट नहीं लगेगी. ओके, यहाँ पे आपको कुछ मैच स्टिक और ट्यूब की टायर से बनाकर शेप दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे ये हैं आपकी माचिस की तिल्लियाँ और साइड में ट्यूब की टायर लगा के इनको अलग अलग शेप बना दिए हैं. नाउ मेक दिस 4, 5, 6 साइड शेप बाई यूजिंग ट्यूब पीसेज एंड मैच स्टिक. अब इन्होंने कहा है कि आप भी ऐसे करें. आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ द शेप्स. अब इसमें कितने एंगल हैं, तो आप देखेंगे ए में कितने एंगल हैं, 1, 2, 3, 4. ठीक है, फर्स्ट वाले में कितने हैं, 4. तो यहां लिखेंगे इन शेप 1 देयर आर 4 एंगल्स. ठीक है, सेकंड में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो यहां लिखेंगे हम इन शेप 2 देयर आर 5 एंगल्स. ठीक है, अब सी वाले में देखते हैं, थर्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हैं, 6 एंगल. तो इन शेप 3 There are 6 angles. ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया है, नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर. यानी कि हर शेप को ऊपर से नीचे के लिए पुश करना है आपने. डज द एंगल चेंज वेन पुश्ड बाई द फिंगर. अगर आपने फिंगर से इसको नीचे पुश किया तो एंगल क्या चेंज होंगे, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, यस, चेंज होते हैं उनके एंगल का शेप, क्योंकि वो क्या है, फ्लेक्सिबल है. यहाँ पे तो ट्यूब की टायर लगी हुई है, अगर आपने ऊपर से प्रेस किया तो ये जो है ऊपर वाले दोनों ये क्या हो जाएंगे, एकदम सीधे हो जाएंगे, और ये जो एंगल होंगे वो भी थोड़े से बड़े बड़े फैल जाएंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसका शेप ऐसे. ठीक है, अब इन्होंने बोला है फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल गिवन. यहाँ पे आपको बोला है कि आप फाइंड आउट करें और रिजल्ट लिखें टेबल में. यहां पे आपको कुछ शेप दिए हुए हैं और इनको क्या कहा है कि देखें ये चेंज होता है कि नहीं. पहले इन्होंने कहा है कि ये एक आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड का आपको दिया हुआ है. अगर हम इसको ऊपर से पुश करें थोड़ा सा नीचे के लिए, क्या इसकी शेप चेंज होगी, तो चेंज इन एंगल, एंगल में चेंज आएगा कि नहीं. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके एंगल में चेंज आता है कि नहीं. इसका भी चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा. ठीक है, यहां अगर आप 90 डिग्री वाले को पुश करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि वो 90 डिग्री जैसा ही रहेगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा पर एंगल वही रहेंगे. ठीक है, लेंथ कम हो सकती है पर एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा. सेम अगर हम इसको थोड़ा सा पुश करें तो इसका जो है थोड़ा शेप चेंज होगा पर एंगल भी क्या होंगे, और छोटे हो जाएंगे. राइट, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, यस.
आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। शेप्स एंड टावर्स, लुक फॉर द ट्रायंगल इन द पिक्चर। अब इन पिक्चर्स में आप ट्रायंगल की तरफ देखिए तो यहाँ पे हर जगह क्या है, बहुत सारे ट्रायंगल से ही बना हुआ है। ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीन साइड होती है कुछ इस तरीके से, उसे क्या कहा जाता है, ट्रायंगल, यानी कि तीन एंगल, इसमें तीन एंगल बनते हैं। ओके, फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप कैन यू गेस व्हाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन दिस टावर एंड ब्रिजेस एक्सेट्रा। अब शेप की वजह से उन्होंने कहा है कि बताओ कि हम इन सब चीजों में ट्रायंगल क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ट्रायंगल शेप जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ठीक है, और वो इजिली मतलब कि ज्यादा चेंज नहीं करता। उसके एंगल जरूर छोटे हो जाते हैं, पर उसका क्या आता है, जो शेप होता है वो नहीं चेंज होता है। तो हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे, या हम दे देते हैं इसको ए, तो इसका आंसर आप लिखेंगे अ ट्रायंगुलर शेप इज स्ट्रॉन्ग। And does not change easily when pressed। ठीक है, ये काफी लोड ले सकता है, इसलिए हम इसको इन सब चीजों में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्रायंगल यूज। ऐसी कौन कौन सी जगह और हैं जहाँ पे ट्रायंगल का यूज किया जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे बी पार्ट का आंसर कि किस किस जगह होता है, ट्रायंगल्स कैन बी फाउंड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। कहाँ कहाँ, रेलिंग में, बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन पे, कम्युनिटी हॉल्स में, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ही बड़ी जगहों में छत बनाने के लिए इनके ट्रायंगल शेप के ही बीम जो होते हैं लोहे के वो लगते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे एंगल एंड टाइम। अब टाइम और एंगल का कैसा है, अगर आप एक घड़ी में देखिए तो वहां पे दो आपकी सुई होती हैं, जिसको एक बोलते हैं आपको आवर हैंड और दूसरी होती है मिनट हैंड। ठीक है, छोटी वाली जो होती है आवर हैंड और जो बड़ी वाली होती है वो क्या होती है, मिनट हैंड होती है। अब यहाँ पे पूछा है आपको, देयर आर मेनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक अ राइट एंगल। ऐसे बड़े टाइम आता है दिन में जब क्या होता है, जो ये दोनों ही सुइयां होती हैं ये क्या बनाती हैं, राइट एंगल। तो यहाँ पे आपको बना के दिखाना है, तो एक हम बना सकते हैं जब बड़ी वाली 12 पे हो और छोटी वाली 3 पे, यानी कि 3 बजे, 3 o'clock पे। दूसरा जब बड़ी वाली 12 पे हो और दूसरी वाली 9 पे, ये भी राइट एंगल बना रहे हैं, 9 o'clock पे। ठीक है, और कब हो सकता है, जब छोटी वाली 3 पे हो और बड़ी वाली 6 पे, यानी कि 3:30 AM को हो या PM को हो, कभी भी। ठीक है, AM या PM तब भी ऐसा बनता है। तो तीन एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको दिया है, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दीज टाइम्स आल्सो राइट द टाइम। पहले तो आपको बताना है कि किस तरह का एंगल बनाया है और फिर टाइम भी लिखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये एंगल क्या बन रहा है, छोटा, तो टाइम कितना हुआ है यहाँ पे, 7:25। यहाँ पे टाइम हुआ है 8:15। यहाँ टाइम हुआ है 9:10। यहाँ पे टाइम हुआ है 9:25 और यहाँ टाइम है आपका 10:00। ठीक है,
ठीक है, कुछ इस तरीके से बना है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या है, ये एक स्मॉल एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, लेस देन राइट एंगल। ठीक है, जो छोटे एंगल होते हैं वो लेस देन राइट एंगल लिखते हैं, और जो बड़े एंगल होते हैं वो आप ग्रेटर देन राइट एंगल या मोर देन राइट एंगल लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये एंगल बड़ा बन रहा है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मोर देन राइट एंगल। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे भी बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे भी आप मोर देन राइट एंगल लिखेंगे, मोर देन राइट एंगल। सेम यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा एंगल है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, मोर देन राइट एंगल, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 और 12 के बीच में ये क्या बना रहे हैं, छोटा एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका लेस देन राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल से ये छोटा है। आगे आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है, ड्रॉ दी हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज लेस देन राइट एंगल। जो राइट एंगल से कम का बना रहे हैं एंगल, और उनमें आपने टाइम भी बताना है, तो सबसे छोटा वाला आएगा आपका, कोई भी आप बना सकते हैं, पहले 6 पे रख लीजिए और बड़ी सुई 5 पे, तो कितना बन गया टाइम, 6:25, तो ये छोटा एंगल है। दूसरा आप रख लीजिए छोटा वाला 1 पे और दूसरी 3 पे, तो ये भी छोटा एंगल है, कितने बज रहे हैं आपके, 1:15। तीसरे वाले में आप यहाँ पे 9 पे रख लीजिए और दूसरी सुई 7 पे, तो यहाँ पे कितना है, 9:35, तो ये भी क्या बना रहे हैं आपका, छोटा एंगल, यानी कि लेस देन राइट एंगल। तो ये था आपका यहाँ पे आंसर। नीचे आपको पजल का दिया हुआ है, जो मैंने आपको पिछला बताया था, इसका आंसर आपको यहाँ दिखाया हुआ है, तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ दिया हुआ है डिग्री क्लॉक। अप्पू और किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड, अप्पू हिट द स्ट्राइकर, अब अप्पू ने स्ट्राइकर मारा। इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स ए बी सी आर शोन, अब 3 पॉइंट यहाँ पे दिखाए हैं, कौन कौन से आपको, ए बी एंड सी। ठीक है, आगे आपको दिया है ड्रॉ अ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन, अब मुझे बताना है कि क्वीन को लेने के लिए उसे कौन से पॉइंट से हिट करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप सी पे लगाएंगे इसका एंगल तो छोटा बनेगा, राइट, बी पे लगाया तो उससे थोड़ा बड़ा, पर ए पे लगाएंगे अगर आप, यहाँ से टच कीजिए ए से, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, एकदम बराबर एंगल, ये और ये दोनों क्या बन रहे हैं, एकदम इक्वल एंगल, तो इसको कहाँ से हिट करना चाहिए, ए पॉइंट से। ठीक है, क्योंकि वो दोनों क्या बना रहे हैं, सेम एंगल। आइए अब नीचे मूव ऑन करते हैं, यहाँ आपको एक्टिविटी दी हुई है, तो यहाँ पे क्या बताया है, कट अ सर्कल आउट ऑफ ए पेपर, आपने एक पेपर में से क्या करना है, सर्कल बनाना है, फिर उसको फोल्ड करना है और एक और बार फोल्ड करना है और फिर से फोल्ड करना है। ठीक है, फिर उस पेपर को ओपन कर देना है, तो कुछ इस तरीके से आपका वो पेपर अब दिखेगा ऐसे। नाउ मार्क 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये सब आपने मार्क कैसे करने हैं। तो अगर हम राइट हैंड साइड से शुरू करें तो ये होगा आपका 0 डिग्री, और सेंटर में होता है आपका इधर ऊपर के लिए 90 डिग्री, और इस तरफ होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये तो आपके बेसिक, 0 और 90 का हाफ कितना होता है, आधा, 45 डिग्री, तो ये एकदम बीच में से लाइन ली है किसकी, 45 डिग्री की, देखिए आधा, अगर हम 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 45 डिग्री। तो 0 और 90 के बीच में जो एग्जैक्ट दो टुकड़ों में बांटेगा वो एंगल क्या आएगा आपका, 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से इनको मार्क कर दिया। अब हमने इस पे क्या दिया, ओल्ड कार्ड दिया, फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ वन हैंड, अब इसने कहा कि सेंटर से हमने क्या करना है, एक हैंड ड्रॉ करनी है, जैसे हम घड़ी में करते हैं। ठीक है, मेक अ रेड हैंड विद द थिक पेपर एंड फिक्स्ड इट टू अ सेंटर, अब इसने बोला है कोई एक पेपर की बना दो रेड हैंड, कोई भी एक रेड पेपर की मोटे से, और उसको सेंटर पे जोड़ दो, फिक्स कर दो।
राइट। तो अब ये तुम्हारी क्या बन गई, डिग्री क्लॉक, ठीक है, क्या बन गई ये, डिग्री क्लॉक। अब इसने बोला है यूज योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। अब पेंसिल बॉक्स का मुझे राइट एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। डैश इज द मेजर ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ओके। नेक्स्ट बोला है कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल विच इज हाफ ऑफ द राइट एंगल। अब इसका आंसर आपने निकालना है। नंबर वन, हाफ ऑफ द राइट एंगल, कहने का मतलब है हाफ ऑफ द राइट एंगल कितने डिग्री का मैंने बताया, 90, तो इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 45 डिग्री। तो इसका आंसर कितना होगा, 45 डिग्री। अब बोला वन थर्ड ऑफ द राइट एंगल। नंबर टू क्या बोला है, वन थर्ड ऑफ द राइट एंगल, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया, 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट बोला टू टाइम्स ऑफ द राइट एंगल। टू टाइम्स कहने का मतलब होता है टू से मल्टीप्लाई करो राइट एंगल को, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया, 180 डिग्री। तो यहाँ कितना आएगा, 180 डिग्री, ओके। नेक्स्ट कहा है मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज 30। जो पेज 30 में आपको पहले दिखाया था कि स्ट्राइकर से उसको कितना एंगल मारना है, वो आपने मेजर करना है। तो या आप बुक में ही अपनी डी रख के, अपना प्रोटेक्टर रख के वहाँ से इसको मेजर कर लीजिए कि वो कितना डिग्री का एंगल बना था, ओके। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे भी आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जहाँ पे आपने पेपर एरोप्लेन बनाना है। पेपर एरोप्लेन जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो क्या करना है, शीट लेनी है, उसको एक फोल्ड देना है, फिर ऊपर से कुछ इस तरीके से, ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई हुई हैं इस तरीके से आपने क्या बनाना है, एक एरोप्लेन। तो ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है और ये एरोप्लेन बना के नोटबुक पे से पेस्ट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है फाइंड द एंगल 45 डिग्री एंड 90 डिग्री व्हेन यू ओपन योर प्लेन। जब आपने ये सारे प्लेन बना देंगे और आप उस पेपर को एकदम से ओपन कर देंगे, यानी कि सारे फोल्ड खोल देंगे, तो आपने फाइंड करना है कि 45 डिग्री का एंगल कहाँ बना और 90 डिग्री का एंगल कहाँ बना। ये उस पेपर में ही आपने खोल करके, एक पेपर पे आपने एरोप्लेन बना के ऊपर चिपकाना है और दूसरे पेपर पे सेम एरोप्लेन बना के फिर उसे खोल के अपनी नोटबुक में चिपकाना है और शो करना है कि कहाँ कहाँ पे 45 डिग्री एंगल बना और कहाँ कहाँ पे 90 डिग्री एंगल, ठीक है। आगे बताया है एंगल्स विद योगा, यानी कि योगा के आसन जब आप करते हैं तो कौन से डिफरेंट डिफरेंट एंगल आप अपनी बॉडी से बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बना है एक स्ट्रेट एंगल पहले वाले में, दूसरे वाले में बना है लेस देन राइट एंगल, तीसरे में आपका बना है ग्रेटर देन राइट एंगल और चौथे में भी बना है ग्रेटर देन राइट एंगल। तो बहुत से ऐसे अलग अलग एंगल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है कि इनको एस्टिमेट करो और मेजर करो। एस्टिमेट एंड मेजर ऑफ द मैनी एंगल एज यू कैन मेड बाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये आपको खुद बोला हुआ है कि कोई आसन बना के देख लो और बताइए कि कितने कितने डिग्री के आप एंगल करते हैं। तो ये आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका द डी गेम। अब यहाँ पे हम करेंगे द डी गेम। डी मैंने आपको बताया था, ये है आपका प्रोटेक्टर, यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है ये, इसको हम डी भी बोलते हैं और प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। You can play the D game with your friends. You can draw an angle. Your friend will guess the measure of that angle. Then you measure that with your D and find the difference between the major angle and the guess will be your friend's scores. ठीक है, ये game खेलना है आपने अपने friends के साथ। आपने क्या करना है, ऐसे ही randomly एक angle बना देना, जैसे मैंने ये angle बनाया। फिर अपने दोस्त से पूछना है कितने डिग्री का एंगल है, उसने गैस करके बोल दिया ये 70 डिग्री का है, ठीक है। फिर आपने अपना डी वहाँ पे रख के इसको मेजर करना है, यानी कि जो डी का ये सेंटर पॉइंट है, कैसे मेजर करते हैं मैं आपको बताती हूँ। डी का जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका इस पॉइंट पर आना चाहिए, जो मेन यहाँ पर, ठीक है। फिर इसकी जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये नीचे वाली लाइन, ये एग्जैक्टली इस नीचे वाली लाइन के ऊपर आएगी। जब यहाँ पे आई, यानी कि पॉइंट भी सेंटर पे और लाइन भी इसके ऊपर, ये नीचे वाला जहाँ से 0 डिग्री शुरू हो रहा है,
नीचे वाली लाइन, यहाँ से आप गिनना स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे आपकी ये लाइन आएगी वो आपका वो एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मेजर करना है और देखना है कि आपके दोस्त का गैस सही था या नहीं। जैसे आपने एक कर दिया यहाँ पे ये एंगल, आपके दोस्त ने गैस कर दिया इसको 70 डिग्री, जब आपने इसको मेजर किया तो वो आया 60 डिग्री, तो गलत आया, तो उसके स्कोर क्या मिलेगा उसको, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2-3 और एंगल बनाने हैं, गैस करवाना है और उनके बाद उसका स्कोर निकालना है। तो ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल्स और शेप किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे शेप्स डिफर करते हैं विद द एंगल्स। अगर एंगल चेंज होंगे तो जो शेप होगी वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।